तो भाई हिमाचल में एक से बढ़ के एक खूबसूरत गांव है। जैसे ही एक गांव को क्रॉस कर रहा हूं मैं, तो उसके सामने ही दूसरा गांव जो है वैसा ही सुंदर गांव, दूसरा गांव आ रहा है, तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। और अभी मैं निकल रहा हूँ चंबा से कांगड़ा के लिए, और आज का जो मेरा सफ़र है वो बाया जोत होके रहेगा चंबा से। तो आज मुझे थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, लगभग मुझे लगता है 20 किलोमीटर यहाँ से जोत का डिस्टेंस है। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम है इस रास्ते पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जय माता। और सुबह सुबह आप व्यू चेक कर सकते हो, रोड एकदम से प्रॉपर है। दोस्तों अभी मैं ऐसी जगह से चल रहा हूँ, खतरनाक लोकेशन है ये, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ कैसे कैसे जानवर होते हैं, ब्राउन बियर, स्नो लियोपार्ड। तो दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी मैं ऐसी लोकेशन पे पहुँचा हूँ, यहाँ का नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है तो बहुत ही खतरनाक व्यू नज़र आ रहा है, मैं आपको भी दिखाऊँगा। मेरे ठीक सामने एक गांव है, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उसका जो यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। और मैंने जाना है शायद उस साइड ऊपर। आज का जो मेरा टारगेट है वो जोत पहुंचने का है, और मंगला यहाँ से मैं चला हूँ, वहाँ से उसका डिस्टेंस था 21 किलोमीटर, और अभी यहाँ से इस डिस्टेंस बचा हुआ है 17 किलोमीटर। टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं, और वो ऊपर टॉप अहम जो जोत है वो टॉप पे पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस रोड से, और रोड जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों सुबह का चल रहा हूँ, टाइम 9:30 बज चुके हैं, लगभग 6 से 7 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी तक यहाँ पे कोई भी इस रोड पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए दुकान नहीं है। तो साथ में मैंने ये अनार रखा हुआ था, तो इसको खा लेता हूँ, थोड़ी एनर्जी दे देगा ये, और उसके बाद देखते हैं आगे जाके कहीं शॉप वगैरह मिलेगी। तो अभी चंबा का जो खतरनाक वाला एरिया था टाइगर बियर वाला, उसको क्रॉस करके और मैं पीसफुल एरिया में, यहाँ पे देख सकते हो आप पीकॉक वगैरह दिखेंगे हमको, तो अभी तो आराम से चलूँगा। दोस्तों यहाँ पे वो प्लेसेस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं देखने के लिए, लेकिन मुझे नाम का नहीं पता। यहाँ मेरे ठीक सामने गांव है, यहाँ का जो व्यू है पीछे से पूरे देवदार हैं, और इतना ही प्यारा सा गाँव है, दिखाऊँगा मैं आपको। चेक कर सकते हो कितना ही प्यारा सा गाँव है, वो ऊपर से देख सकते हो पूरी देवदार की जैसे एक लाइन लगी हुई है, और साथ में इतना प्यारा सा गांव है। चेक, और यहां से जो जोत की दूरी है, यहां पे आज मेरा स्टे रहने वाला है, वो है अभी 14 किलोमीटर, टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। तो भाई हिमाचल में एक से बढ़ के एक खूबसूरत गांव है। जैसे ही एक गांव को क्रॉस कर रहा हूं मैं, तो उसके सामने ही दूसरा गाँव जो है वैसा ही सुंदर गाँव, दूसरा गाँव आ रहा है, तो दिखाऊँगा मैं आपको। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हो कितनी ही प्यारी जगह है, और अभी मैं चल रहा हूँ रोड से, रोड भी देख सकते हो कितना बेहतर रोड है। तो अभी मैं बैठा हूँ शॉप के अंदर और ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके बाहर आया हूँ, और स्पेशली थैंक्स करूँगा MK शर्मा का, जिन्होंने मुझे इतना ही प्यारा सा ब्रेकफास्ट कराया, और साथ में रास्ता वगैरह भी बताया, आगे पूरी हेल्प की भाई ने, तो भाई का दिल से शुक्रिया। तो भाई सुबह का चल रहा हूँ, लगभग मैंने जो है वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और अभी यहाँ से जो जोत का डिस्टेंस है वो मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ से जो जोत का डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर। ये पिछले 2 दिन से बिल्कुल भी नहाया नहीं था, मुंह धो के ही काम चला रहा था, तो अभी यहाँ पे पानी मिला था रास्ते में, तो मैं नहा लिया हूँ आराम से। तो अभी नहा के बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, तो मजा आ रहा है, एकदम ठंडा हो गया है, और जैसे जैसे मैं सुबह से एकदम ऊपर के लिए चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, तो अभी मुझे इधर ही ऐसे पहाड़ हैं जैसे मेरे घर का माहौल है पूरा, वैसे उसी तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ सेम है, तो एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है अभी। तो यहाँ से जोत बचा हुआ 5 किलोमीटर, और यहाँ से जोत है इस साइड। दोस्त
इसे कहते हैं पहाड़ और इसे कहते हैं नज़ारे। सोचा तुझे भी दिखा दूं क्योंकि तेरे घर वाले तो तुझे भेजने से रहे। देख ले, वाह वाह वाह, क्या नज़ारे भाई। देख ले नीचे पहाड़ हिमाचल प्रदेश और नीचे चंबा दिख रहा है सामने। ठीक यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं और इन भाई को भी ट्रैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। ये हर साल मणिमहेश यात्रा वगैरह में जाते रहते हैं, तो भाई से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और भाई ने बहुत ही सपोर्ट की और भाई का दिल से शुक्रिया करता हूँ। फाइनली एंड फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ जोत में और यहाँ से अभी टाइम 2 बज चुके हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे 5-6 किलोमीटर पे रोड साइड पे एक मंदिर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो इससे मेरा जो सफ़र है वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ से जो कांगड़ा का डिस्टेंस बता रहा है वो 100 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरी उम्मीद जो और बढ़ गई है। जय ज्वाला माता। और साथ में व्यू चेक कर सकते हो आप जोत का, क्या ही खतरनाक व्यू है। और से जो दलहौजी का डिस्टेंस है, ट्रैक है यहाँ से वो 8 किलोमीटर का ट्रैक है, तो यहाँ से जो दलहौजी है वो बहुत ही पास में पड़ती है। भाई साहब, हिमाचल के लोगों की एक बात तो है, मैं यहाँ जोत में पहुंचा था यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे, वहां पे लोगों ने इतना ज्यादा फोर्स किया कि खाना खा लो, लेकिन वहां से मैं आ गया क्योंकि मैंने नीचे खाया था ब्रेकफास्ट, तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। और यहाँ 1 किलोमीटर आगे आते ही फिर से अंकल मिल गए, और अंकल जी का अपना होटल था यहाँ पे, तो अंकल ने यहाँ पे मुझे खाना वगैरह खिलाया बहुत ही अच्छे से। और आगे का जो रास्ता था कि आज कहाँ पे रुकना है और रात को ज़्यादा नहीं चलना है, सब डिटेल बताई, तो अंकल का दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जोत के जस्ट कांगड़ा वाली साइड 1 किलोमीटर पे शॉप है, ये है अंकल की दुकान का व्यू, देख सकते हो यहाँ पे। आई कॉन्ट बिलीव, मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं 3 दिन से अपने घर से जो हिमाचल में ट्रेवल कर रहा हूँ और अभी मैं ऐसी लोकेशन पे पहुंचा हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक मेरी उंगली के सामने आप देखते रहना, वो जो दो आगे आपको पहाड़ के ऊपर दो चीजें दिखाई दे रही हैं टावर जैसे, ये हमारे मैं बनी भंडार का रहने वाला हूँ, तो वहाँ से भी ये जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं। हम छोटे छोटे बच्चे थे तब भी इस चीज़ को देखते थे, मैक्सिमम ये हमारे बनी में हर जगह से ये जो ये टावर है या क्या ये दिखते हैं, तो आज मैं इनके इतने पास में देख सकते हो। नॉर्मली यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर होंगे, तो इसे देख के लगता है कि अगर मैं उस पहाड़ी के ऊपर जाऊँ तो मुझे अपना जो जम्मू है, जो हमारी बनी साइड है, वो दिख सकती है। वाओ, आज के दिन में मैं अभी इस ऐसी लोकेशन पे पहुंचा हूँ, यहाँ जो है वो सबसे डीप फॉरेस्ट है, देख सकते हो आप आगे पीछे, और ऐसा जंगल है, ऐसा सुनसान सा जंगल है। और टाइम लगभग शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मुझे यहाँ से आगे 4 किलोमीटर और चलना है, 5-5:30 बजे तक पहुँचा। तो भाई पाँव में थोड़ी थोड़ी दर्द होना शुरू हो गई है आज, तो मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, अभी टाइम है और देख सकते हो यहाँ से है रोड इस घने जंगल के बीच में से। गाड़ी में जाओगे या ऐसे? अच्छा गाड़ी में, अच्छा अच्छा तब ठीक। मंदिर कितने दूर है यहाँ से? थोड़ा ही दूर है ना, पहुँच जाऊँगा मैं, ठीक है। और खानी है बाजी?